people in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India, and the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur Column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है, साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत एक राष्ट्र एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है। संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर रायसेना हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी।